राम राम जी, कैसे हो आप सब? तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है दबंग कैटनी ब्लॉग्स में। और यहाँ उठ रोशनी बैठना पड़ा नहीं आ तुम्हें, रही है उठ के बैठना और पड़ा तुम्हें। हम हैं किस हैं हम हाँ नाश्ते की टेबल पे जागेश्वर। बता दे, दो वीडियो चाली, कहाँ हैं एक बता दे वीडियो सुन ले, जागेश्वर जागेश्वर। फोर हम जी जाने हैं दे। जागेश्वर धाम और ये शीतल और ये मिस्टर त्यागी जी फोन में घुसे हुए हैं। हेलो गाइज करो। हेलो हेलो गाइज, गाइज। और ये सराव साहब हैं जो कि हमेशा ही फोन में घुसे रहते तेरी हैं। वीडियो फोड़ देना लग रहा हूँ, ओ माय गॉड, ये जो कि हो तो नहीं रही है। हाँ ना फोर जी आ गया मेरे फोन अच्छा में। और कर दो, पर फटाफट से कर दो, गुदर मचा दो, कह हटा दो। वी आर वेटिंग फॉर पराठास। अंग्रेजी भी आओ इसी तरह। अंग्रेजी भी अबे आओ भाई। ये वी आर वेटिंग फॉर अपलोड हो गया था, पराठास। ये चाहते होगी वाओ यार, रुको एक मिनट, तो कांग्रेचुलेशन। कोई ना, प्राइवेट है, कोई बात नहीं, समस्या नहीं नहीं तो है। रोक नहीं दी, वैसे भी 7 मिनट में अपलोड हो जाएगी, मतलब 4G सही चला है नीचे, ऊपर अच्छा यार 2G ओके। चला रहा है, 2G के ऊपर के तो करूँ ऊपर जाके जी का। तो भाई ये देख लो नजारे, तुमने सोचो ये उड़ा झुपड़ जो रहा है ना, ये अभी दिखा है, पच्चे का भी दिखा है, वो कह रहा है सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। क्या करोगे सिस्टम तुम, हैंग कर देंगे, सिस्टम सिस्टम हैंग। सिस्टम समझ के करोगे। तो हम हैं जागेश्वर धाम और ये है नैनीताल। तो कितना ऊपर पड़ा है त्यागी जी? नैनीताल तक ऊपर नहीं पता, पर नैनीताल से समुद्र चार तल से घंटे 1800 मीटर, कुछ, नैनीताल से 80 किलोमीटर है, नैनीताल से 70-80 किलोमीटर ऊपर। हाँ 4 घंटे का सफर है टोटल, चार से नैनीताल से आगे 4-5 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ है, रात को नैनीताल पहुँचे थे ये तो आठ पहाड़ों साढ़े का है, आठ बजे से। मजा आ रहा है खाना वाना घूमने में। खाया, 9:30 हुए, फिर वीडियो एडिट करी, बट वो अपलोड नहीं हुई है, वो बहुत अलग है। एडिट कर दी, मैं नहीं अपलोड करूंगी, अपलोड भी सारी रात ट्राई करते रहे, नहीं हुई, और अभी जाके हो गई। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से दर्शन के लिए। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, ये शिव जी का देखो। बहुत पुराना मंदिर मैं है। नुकू दे मैं बावली, मैं हमेशा की तरह का फ्रंट कैम चल रहा है ना मेरे, इसमें दोनों चल रहे हैं, नुकू देखो बर्फ यार तब देखो। उसमें तो बड़े भी दिख सके हैं, छोटे से बड़ा बड़े दिख रहे हैं कुछ, उसमें कोई हाँ दिक्कत मेरा नहीं है। हमने हटाना चाहती है तो ना, मैं तो नुकू से हूँ ये मगर न्यू डिवाइड है तुम्हें अभी। जीतना हो गया ना मेरा, ये और ये देखो भाई बाहर, तो भाई ब्रेकफास्ट हो चुका, चाय पराठा पोहा खा लिया बहुत अच्छे से, और धूप आ रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसा है। और यहाँ पे ये है इनका सोलर वाला हीटर, ये सीन है। और ये देखो होटल के पास का नजारा, यहाँ पे ये है बर्फ और ऊपर का पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इधर से जो है वो सनलाइट है, सूरज है। और ये देखो ये सामने का व्यू है, इधर नीचे खाई सी है थोड़ी और उधर पानी आ रहा है पहाड़ों में से, ये चक्कर है भाई साहब। ये है हमारा होटल, वहाँ ऊपर सेकंड फ्लोर पे है रूम और नीचे था रेस्टोरेंट, रिसेप्शन नीचे है। नीचे से खा पी के और जब आ चुके हैं और ऊपर गए अभी वो बैग लेने, मैं कहा यार तुम ले आओ मैं नहीं जाऊंगी है ना। तो भाई ये है हमारा होटल और उधर खड़े हैं विनय और शीतल सामान लेने के लिए, इन दोनों को भेजा था। और फिर मैंने नीचे आके स्टाफ को बोला, इनका भैया ऊपर से सामान उतरवा के लाओ, तो फिर वो सामान उतरवाने, वरना ये दोनों फिर नीचे आके ऐसे बोलते हम दोनों सामान लेके आए हैं, तुम दोनों यहाँ। त्यागी जी को गाड़ी हटानी थी, वो गाड़ी हटाने चले गए, मैं कहा यार तुम ले आओ। क्या? हाँ अरे आपके जी की पूरी क्यों होया करे। ये वही जागेश्वर में बहुत अच्छा व्यू है, ये देखो इधर से। और अभी चलेंगे दर्शन के लिए,
फिर दिखाएंगे। ये देखो बर्फ बर्फ हो रखी है। ये लियो हम चल पड़े हैं। रास्ता बड़ा बढ़िया है, पता ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की तरह है, अर्थात गाड़ी चल रही है और हम तो गाड़ी में बैठे हैं। ये सारे आज भीड़ हंड रही है। इलेक्शन हां ये नहीं हंड गए, अभी जा रहे हैं भाई दंडेश्वर मंदिर ना, दंडेश्वर अलगंडेश्वर तो दिख जा कर देख। ये अभी जा रही है दंडेश्वर और आज मैं इन सारे की सेंटा क्लॉज पढ़ा रही हूं। लाल टोपा पहन रहे हैं, जगह जगह पर पड़ी है यहाँ पे। ये चिची तू के याद रखेगी, ये मुझे का पता है ये चिची। अभी चलते हैं और दंडेश्वर महाराज के दर्शन करेंगे और कराएंगे। 1 किलोमीटर आगे। वीडियो लाइक कर दियो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, तेरा भला होगा, तेरे बालक जियेंगे, तेरा खून पियेंगे, सारे चक्कर में नहीं 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 कर ये वीडियो बनाने लग रहे हैं। तो भाई अभी जागेश्वर महाराज जी के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं और ये बाहर की मार्केट, अभी यहाँ पे अंदर जो है वो मंदिर है। क्या है क्या है, ये जमीन में उठ रहा है तुम्हारा, ये जमीन नहीं है यहाँ, ये जमीन में उठ रहा है तुम्हारा। हाँ दीवार, इस दीवार इधर से ऐसा निकल रहा है। ये देखो भाई ये है झरना, पता बावड़े हो रहे कते। ये तो ये है झरना, धूप निकल रही है फिर भी मुझे भाप लगने आ रही है। हाँ बेशक धूप है, ठंड तो उतनी है। चलो तो भगवान के दर्शन से थोड़ी होते हैं, देखे पाला फिर उड़ना आ रहा। मैं तो लाया हूँ जुराबे पे, चलो हो जाएंगी। दूसरी पैर लेंगे फिर में खोलना पड़ेगा, चल मैं बिका डालू फिर चढ़ा देंगे। ओ भाई साहब बर्फ पौधर दिया भगवान हुए मिलने कर रहे हो भगवान का ये तो समय भाई बाप जमन लग गया रहना पड़ेगा। सोनिया बच्चों से पूछिए इनका कहाँ देने हैं बे है सोनिया। हाँ हाँ बाहर मिलेंगे ना, बच्चे से पूछ लड़ देने कितने देने दे बाबा काम कर मिल रहे यार भाई ठंड लग गया पैर। त्यागी जी आप तो पूरे मजे में। तो भाई आ चुके हैं प्राचीनतम और मुख्य मंदिर महामृत्युंजय मंदिर और अभी अंदर चलेंगे, पर बंदर बहुत ज्यादा है। 125 मंदिरों का ग्रुप है ये। मंदिर बहुत ज्यादा नहीं, बंदर बहुत ज्यादा है। ये पुन खोज ले जाए ये वाली हाँ। तो बहुत लिमिटेड और सिलेक्टेड सी जो है वो देख लो भाई टिपका और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था गर्भगृह में, तो यहाँ बाहर दिखा दो अंदर बहुत बड़े शिवलिंग हैं। अंदर अलाउड अंदर अंदर बर्फ भी पड़ी है नीचे और बर्फ बर्फ रखी है। चले इधर आ जा, किधर पीछे भी देख। तो भाई ये मिला है प्रसाद, आप सभी खा लो, आ जाओ मैं खा ली हूँ इसने। ठंड हो रही है बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा। अब ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या लेवल है, वो देखो वहां पे बर्फ है, उधर भी बर्फ है।
घंटी देखिए कितनी भारी है। मेटल है पीतल ही होगा। चलो भाई चलते हैं देखेंगे आगे। जुरा पहनिए जब जाकर गुजारा होने के लायक। बर्फ है नीचे मतलब बर्फ जैसा ठंडा है। ये छोटे छोटे 125 मंदिर है भाई यहाँ पे। ग्रुप ऑफ टेंपल है। ये बंदर अंडा है तला गटर ये चख ले जाएंगे फोन ने। शिवलिंग है सारे। हाँ हर एक में शिवलिंग है। हाँ हाँ देख लो ना। भाई ये देखिए कुकरांड ला रहे। रुद्राक्ष से कोई भी करा सकता है। क्या चार्ज है? 1500 की पर्ची है 600 की सामग्री। कितना पुराना पेड़ पंडित जी? 1200-1300 साल पुराना पेड़ है भैया। और जो कुबेर का मंदिर उधर है उधर जगह जगह बर्फ है देखो भाई। बैठे बैठे दर्शन करा दिए मेरा। बैठे बैठे दर्शन करा दिए सबके। रुद्राभिषेक इन सारे मंदिरों में ना शिवलिंग हर एक में। दस मीटर गोलाई है वृक्ष की और 62 मीटर ऊंचाई है। जगह जगह बर्फ देख बर्फ। जोरदार तो फिर भी बचाव तो कर रही है। बचाव तो कर रही है। कैसे महसूस हो रहा है? शीतले ब्रो। हाँ ये देखो गणेश जी का मुंह बना हुआ है पेड़ में। सुखी रहें दीर्घायु रहें हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये है मेन मंदिर भगवान जागेश्वर महाराज जी का
तो जागेश्वर महाराज जी के जब हम मंदिर में पहुंचे थे तो वहाँ पे जो है वो भोग चल रहा था, तो उस वजह से 10-5 मिनट जो है हमें बाहर वेट करना पड़ा था और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इस वजह से हम अंदर का दर्शन नहीं करा पाए। तो इस तरीके से जो है वो मंदिर और बहुत अच्छी, बहुत मतलब एकदम से रियल देखने वाली चीज़ है, किसी को रिकमेंड करने वाली चीज़ है कि हाँ आप लोग जाइए और ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जो अभी सबकी नज़रों में नहीं आए हैं, सबको नहीं पता है, और हमें भी किसी ने बताया, हमने जाया तो बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसे है कि बार बार जाने का मन करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी आपको जटागंगा दिखाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ये भाई जटा गंगा नदी है, गंगा जी है, जटा गंगा जी।